क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर गिवन है और एक स्फेरिकल शेल गिवन है। इस स्फेरिकल शेल का रेडियस हमें गिवन है कितना, 4 टाइम्स ऑफ ए, और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस भी गिवन है ए रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दो पॉइंट गिवन है, एक पी वन पॉइंट और एक पी टू पॉइंट। P1 और P2 पॉइंट सरफेस से a डिस्टेंस के ऊपर है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सरफेस से ये a है और सेम सरफेस है, सरफेस से ये भी कितना है, a डिस्टेंस पे। ओके, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये कि P1 पे ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल और ये सॉलिड स्फीयर, इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड, और P2 पे फील्ड क्या होगा, यानी मैं फील्ड फाइंड करना है P1 और P2 इन दोनों स्फीयर की वजह से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो अगर P1 पे मैं फील्ड देखूं तो P1 पॉइंट इस स्फेरिकल शेल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस बड़े वाले शेल की वजह से कोई फील्ड नहीं होगा, बट छोटे वाले की वजह से फील्ड होगा। अब ये देखना है कि फॉर्मूला अपना क्या है, फील्ड का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ओके, अब मास तो अपना कैपिटल एम है, ये मैं फर्स्ट वाला फाइंड कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला कैपिटल एम, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस मास। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं अपन, इसको मैं पूरा, ये अपना सेंटर है, अलग से लेता है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस अपना ए है, राइट है, और यहाँ से पूरा कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये रेडियस है, ये 4a है, और ये कितना है, a है, राइट, सॉरी ये 4a जो डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ये 4a है, ठीक है। तो ये 4a है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 4a है, तो यहाँ से यहाँ 3a, और ये कितना a, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 4a, तो अपना r कितना है, 4a, तो r मैं लिख देता हूँ, तो 4a का, तो आंसर क्या आएगा, जी एम अपॉन 4 का 16 ए स्क्वायर। ये होगा अपना फील्ड एट P1, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड हमेशा फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड एट P2, ये P1 हो गया, अब P2 पे फील्ड निकालना है, A2 इज इक्वल टू, देखो अब P2 का देखना है, P2 स्फेरिकल शेल के बाहर है, तो इस बड़े वाले शेल की वजह से भी फील्ड लगेगा और छोटे वाले की वजह से भी लगेगा, ठीक है। तो अपन दोनों लिख लेते हैं, जी एम अपॉन, ये छोटे वाले का लिख लेता हूँ R1 स्क्वायर, और बड़े वाले के लिए लिख लेता हूँ R2 स्क्वायर, राइट। ओके, दोनों का मास तो सेम है, तो जी एम, अब देखो छोटे वाले का R1 लिख रहा हूँ मैं, तो छोटा वाला यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से ये देखो, ये इसका सेंटर से डिस्टेंस कंसिडर करना अपने को, तो सेंटर से यहाँ तक तो है 4a प्लस a, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, ये तो 4a है, और ये कितना है a, तो 4a प्लस a 5a, तो ये हो गया, और एक a ये, तो छोटा वाला कितना 6a जितना दूर है, 6a। ओके, अब बड़ा वाला जो मास है ये P2 से कितना दूर है, P2 से इसका सेंटर ये है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस देखना है, तो सेंटर से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 4a, 4a प्लस a 5a। ओके, अब सोल्व कर दो डायरेक्ट, gm कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1a स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 25। इसको सोल्व करेंगे तो काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 900, ये 25, ये 36, कितना आएगा, 25 प्लस 36, 651, 61,
जी एम अपॉन 900, ये आएगा फील्ड एट पी टू, और ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। ग्रेट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।